नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने आज भारत बंद बुलाया है। कांग्रेस ने सपा बसपा डीएमके समेत 20 दलों के समर्थन का दावा किया है। लेफ्ट दल भी इस बंद में कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ नजर आया और बंद का हरियाणा समेत पूरे देश में मिला जुला असर देखने को मिला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर बंद से मिला क्या। तो इस पूरे मसले पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस बंद से मिला क्या। आपको बता दें कि इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे हैं शीला भ्याणा, इनेलो की नेता, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। शीला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही लोकेश नांगरू, बीजेपी के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जितेंद्र कुंडू, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने भारत बंद का ऐलान किया था। बंद का पूरे देश में मिला जुला असर दिखाई दिया है। कांग्रेस एक तरफ बंद को सफल बता रही है, वहीं बीजेपी इस बंद को पूरी तरह से फ्लॉप बता रही है। आपको बता दें कि कच्चे तेल की कीमतों पर लगने वाले टैक्स से तेल की कीमत में कच्चे तेल के मुकाबले दोगुनी कीमत हो गई है और ऐसे में इस टैक्स के खेल को अब समझना जरूरी है। करेंगे इस पर चर्चा, पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। तेल की बढ़ती कीमतों में राज्य और केंद्र के टैक्स से तेल के दाम दुगने पहुंच जाते हैं। अब केंद्र सरकार का एक्साइज टैक्स प्रति लीटर पेट्रोल पर 19.48 रुपए है, वहीं डीजल पर 15.33 रुपए, यानी अब पेट्रोल की कीमत 37.70 रुपए में पेट्रोल पर लगने वाले एक्साइज टैक्स 19.48 रुपए को जोड़ दिया जाए तो ये कीमत 57.18 रुपए पे जा पहुँचती है। और अगर डीजल की कीमत 39.63 रुपए में डीजल पे लगने वाला एक्साइज टैक्स 15.33 रुपए जोड़ दिया जाए तो ये कीमत 54.96 रुपए पर जा पहुंचती है। पेट्रोल पंप डीलरों का कमीशन भी अब इसमें जुड़ता है। डीलर प्रति लीटर पेट्रोल पर 3.59 रुपए के हिसाब से कमीशन लेते हैं तो वहीं डीजल पर 2.53 रुपए उनका कमीशन बनता है। इस तरह पेट्रोल की दर 57.18 रुपए में अगर पेट्रोल का कमीशन 3.59 रुपए जोड़ दिया जाए तो ये कीमत 60.77 रुपए पे जा पहुँचती है। वहीं अगर डीजल के भाव 54.96 रुपए में 2.53 रुपए डीजल का कमीशन जोड़ दिया जाए तो ये कीमत 57.49 रुपए पे जा पहुंचती है। और इस पर राज्य सरकारें अलग अलग दर से वैट और पॉल्यूशन सेस भी वसूलती है। आंध्र प्रदेश पेट्रोल पर 36.42% सेल्स टैक्स और वैट के रूप में वसूलता है, वहीं डीजल पर 29.12% सेल्स टैक्स और वैट को वसूला जाता है। बिहार पेट्रोल पर 24.57% सेल्स टैक्स और वैट के रूप में वसूलता है तो डीजल पर बिहार 18.22% सेल्स टैक्स और वैट वसूलता है। छत्तीसगढ़ पेट्रोल पर 27.14% सेल्स टैक्स और वैट के रूप में वसूली करता है तो वहीं डीजल पर छत्तीसगढ़ 25.88% सेल्स टैक्स और वैट वसूलता है। दिल्ली पेट्रोल पर 27% सेल्स टैक्स और वैट के रूप में वसूलती है तो वहीं डीजल पर 17.32% सेल्स टैक्स और वैट वसूलती है। गुजरात पेट्रोल पर 25.42% सेल्स टैक्स और वैट लेता है, वहीं डीजल पर 25.15% सेल्स टैक्स और वैट वसूला जाता है। हरियाणा पेट्रोल पर 26.25% सेल्स टैक्स और वैट वसूलता है तो वहीं डीजल पर 17.22% सेल्स टैक्स और वैट वसूला जाता है। मध्य प्रदेश पेट्रोल पर 35.23% सेल्स टैक्स और वैट के रूप में वसूलता है तो वहीं डीजल पर 22% सेल्स टैक्स और वैट वसूला जाता है। पंजाब पेट्रोल पर 35.65% सेल्स टैक्स और वैट के रूप में वसूलता है तो वहीं डीजल पर 17.12% सेल्स टैक्स और वैट वसूला जाता है। राजस्थान पेट्रोल पर 30.93% सेल्स टैक्स और वैट वसूलता है तो डीजल पर 20.47% सेल्स टैक्स और वैट वसूलता है। दरअसल 16 जून 2017 से पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में हर दिन बदलाव की व्यवस्था यानी डेली डायनेमिक प्राइसिंग लागू कर दी गई है। इस व्यवस्था को ये कहते हुए लागू किया गया था कि इससे कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुसार बाजार में पेट्रोल डीजल उपलब्ध हो सकेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कच्चे तेल का दाम घटने के बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती गयी। गौरतलब है कि 16 जून 2017 से पहले देश की तेल कंपनियां हर 15 दिन में पेट्रोल डीजल के भाव की समीक्षा करती थी। मनमोहन सरकार के आखिरी दिन यानी 25 मई 2014 को पेट्रोल की कीमत 71.41 रुपए प्रति लीटर थी तो वहीं डीजल की कीमत 25 मई 2014 को 56.71 रुपए थी।
वहीं आज 10 सितंबर 2018 को जब केंद्र में मोदी सरकार है तो पेट्रोल की कीमत 80 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर है तो वहीं डीजल का भाव 72 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि मनमोहन सिंह की सरकार के जाने और मोदी सरकार के आने के 4 साल के दौरान पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 16 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज। तो सरकार किसी की भी हो, पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर काबू पाने के लिए हर सरकार बेबस नजर आती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार भी अपने समय में इसी तरीके से बेबस नजर आती थी और विपक्ष में तब रही बीजेपी सड़कों पर उतरती थी, और आज हालात जब बदले हैं, सत्ता में बीजेपी है और सड़क पर कांग्रेस, तो स्थिति कमोवेश वैसी ही नजर आ रही। सरकार एक बार फिर अपने हाथ खड़े कर रही है। लोकेश नांगरू जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लोकेश जी, बहुत सीधा सा सवाल है, क्या ये सिर्फ सत्ता का खेल है कि जब सत्ता में जो इंसान बैठेगा, जो पार्टी सत्ता में बैठेगी, उसके लिए कीमतों को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब विपक्ष में होते तो हंगामा करना आसान है। कीमतें कम क्यों नहीं हो रही या कम हो ही नहीं सकती हैं? सरकार ने तो आज साफ कह दिया रविशंकर प्रसाद ने कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके कीमतें तय होती, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। क्या मान लें कि अब ये जो अच्छे दिन की बात थी वो कम से कम पेट्रोल डीजल पर लागू नहीं होती? अनूप जी, ऐसा नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आए हुए लगभग 4.25 साल का समय हुआ। आज से पहले कांग्रेस की सरकार ने इस देश पर राज किया और उसके अंदर लगभग 1,62,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स जो पेंडिंग जो इन कंपनियों को देने थे, इन्होंने वो एक वादा कर रखा था। आज उन बॉन्ड्स को क्लियर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहले उन सबका कर्ज चुकाया, जिसके अंदर लगभग 65,000 करोड़ रुपया उसका एक इंटरेस्ट के रूप में इन्होंने चार्ज किया। तो ये पुराने कर्जे जो इस सरकारों के थे, ये भारतीय जनता पार्टी को दे दिए। लोकेश जी, 71 रुपए कुछ पैसे मनमोहन सिंह की सरकार ने छोड़ा था पेट्रोल का दाम, आज 80 रुपए 73 पैसे हो गया है। इसे अच्छे दिन को परिभाषित तो करिए कम से कम, और कुछ नहीं तो कि ये 10 रुपए 11 रुपए बढ़ कैसे गए, और यही बढ़े तो क्या यही अच्छे दिन है? मेरे हिसाब से सन 2013 अगस्त के अंदर इस पेट्रोल का भाव जो था वो 80 रुपए 94 पैसे का था, और जिसको आप 71 रुपए कह रहे हैं 80 रुपए का था, और आज वही का वही रेट है। लेकिन इतना इंटरेस्ट और इतना पैसा जो कांग्रेस सरकार ने हमारे को तोहफे में दिया, उसका देना भी तो अवश्य था ना जी। उसको देने के लिए आज अगर पेट्रोल को उसी सीमा के अंदर रखा हुआ है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस सरकार के प्रयासों से इस तेल का दाम और कम किया जाएगा, इस प्रकार की अपेक्षा हम लोग रखते हैं। जितेंद्र कुंडू, आप आज आप विपक्ष में हैं इसलिए आप सड़क पर हैं और आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन जब आप सत्ता में थे तो कमोवेश सवाल यही आपसे बीजेपी पूछ रही थी, और तब मनमोहन सरकार भी हाथ ऐसे ही खड़े करती थी कि दरअसल इसकी कीमतें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तय होती हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। आज जब भारत बंद हो रहा है, पूरे देश में भारत बंद का ऐलान किया गया, कई जगह हिंसक खबरें भी सामने आई हैं, लेकिन इस भारत बंद से कुछ मिलता हुआ नजर आ रहा है कि ये सिर्फ 2019 की तैयारी के तौर पर समझें? देखिए अनूप जी, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि जो 2014 में जो 107 रुपए डॉलर पर बैरल की कीमत थी, और जिसमें कांग्रेस सरकार उस समय 71 रुपए पेट्रोल देती थी और 55 रुपए डीजल देती थी, और आज के समय में पर बैरल डॉलर की कीमत 73 रुपए है, जिसमें ये 81 रुपए हमको पेट्रोल दे रहे हैं और 73 रुपए हमको डीजल दे रहे हैं। आप देखिए 2014 से लेकर अब तक इन्होंने 11 लाख करोड़ रुपए पेट्रोल और डीजल से कमाए हैं। ये जनता का पैसा, मैं इनसे पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों से, ये गया कहां? आप कहते हो कि आपको ये भविष्य में कांग्रेस का जो भूतकाल में कांग्रेस का जो दिया हुआ हमको ये तोहफा है, या प्रूव कीजिए कहां पे कांग्रेस का ये तोहफा इस तरह से दिया हुआ है। आप अपनी जिम्मेदारियों से इस तरह से पीछे नहीं हट सकते। मैं तो आप मुझे बताइए, मैं तो इतना कहना चाहूंगा आप सहनशीलता रखिए, आप मेरी बात में पूरी सहनशीलता है, लेकिन लोकेश जी सुन को ले पहले बात सुन ले पूरी। देखिए इनकी नीति है, जैसे इनकी पार्टी वैसे इनके विचार हैं, जैसे इनकी पार्टी झूठ बोलती है वैसे ही उनकी पार्टी नहीं। लेकिन जितेंद्र जी ये तो समझाइए कम से कम, जितेंद्र कुंडू ये तो समझाइए कि क्या ये सिर्फ सत्ता का खेल है कि जो पार्टी सत्ता में होगी उस वो अपने हाथ खड़े कर देगी कि हम दरअसल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुछ नहीं कर सकते, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। देखिए हमारे असरदार सरदार मनमोहन सिंह जी ने, जो दुनिया के तकरीबन सबसे अच्छे अर्थशास्त्रियों में जाने जाते हैं,
उन्होंने 107 रुपए रेट होने पर भी पेट्रोल की कीमतों को इतना ज्यादा नीचे रखा, इतना ज्यादा देश के लोगों को दुखी नहीं होने दिया, ना ही उन्हें इस तरह की महंगाई की मार झेलने दी। क्या कहते थे मोदी जी जब सत्ता में आने से पहले कि अगर देश का रुपया बढ़ता है और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है। आज मैं पूछना चाहता हूं जितेंद्र जी, वो उस समय की बात आप उस समय की बात करते हो? नहीं, उस समय हमारे को ये तो नहीं पता था कि 1,63,000 करोड़ रुपए का ठीक है लोगों ने इसके ऊपर। ठीक है शीला जी, क्या आपको भी यही लगता है कि दरअसल ये है तो सत्ता का ही खेल? कांग्रेस भी 10 साल सत्ता में रही और हमने देखा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जब बेकाबू हुई तो यही बीजेपी सड़क पर उतर रही थी, चाहे वो रसोई गैस की बात हो, पेट्रोल की बात हो, डीजल की बात हो। आज जब बीजेपी सत्ता में है, कांग्रेस विपक्ष में है, तो कांग्रेस सड़कों पर उन्हीं नारों के साथ उतर रही है। क्या इसे महज हम सत्ता का खेल समझें कि दरअसल सरकार में जो होगा उसके लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों को काबू करना बहुत मुश्किल है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार का हवाला देकर हाथ खड़े किए जा सकते हैं? क्या ये सिर्फ चुनावी शगुफा के तौर पर इसे समझा जाए? शीला जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, संपर्क कट गया, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लोकेश नांगरू और जितेंद्र कुंडू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लोकेश जी, एक सवाल तो यह है ना लेकिन कि बीजेपी जब अच्छे दिनों की बात कर रही थी और उस दौर में यह कहा जा रहा था कि अच्छे दिन जब आएंगे तो स्थिति जरा बदल जाएगी, कम से कम महंगाई को लेकर जिस मनमोहन सरकार को कोसते हुए प्रधानमंत्री की पद तक नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, तब यही कहा जा रहा था कि अच्छे दिन आएंगे और महंगाई दूर हो जाएगी। रसोई गैस की आज बात कर लें तो वो आज तक कम से कम दुगने के रेट पर पहुंच गया है जहां पे मनमोहन सिंह की सरकार ने छोड़ा था। पेट्रोल डीजल की बात करें तो पेट्रोल 80 के पार कभी दिल्ली में नहीं गया, आज दिल्ली में पेट्रोल 80 के पार बिक रहा है। हरियाणा में स्थिति और ज्यादा महंगी है। अच्छे दिन की जब आप परिभाषा करेंगे, मिशन 2019 बहुत नजदीक है, चुनाव के मुहाने पर देश खड़ा है, कैसे समझाएंगे आवाम को? अनूप जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने गैस सिलेंडर की बात करी, पिछली सरकारों ने इसको एक ब्लैकमेलिंग का धंधा बनाया हुआ था। आज सिलेंडर लेकर रिक्शे वाला लोगों के घरों के अंदर आता है कि आपका सिलेंडर महंगा हुआ या नहीं। आप उस समय लोकेश जी, महंगा हुआ या नहीं आप बताइए, महंगा हुआ या नहीं सिलेंडर? एक गरीब आदमी के खाने के लिए दालों का रेट 180 रुपए किलो तक पहुंचा दिया, आज वो 60-70 रुपए किलो आ गया। 53 रुपए रेट। जितेंद्र जी, मैं भी आपको ये कहना चाहूंगा, आप एक बार घर पे दोगे? सुनने की सहन शक्ति रखें। आप ये 400 रुपए जो एक्स्ट्रा ले रहे हैं घर पे देने के लिए रहे हैं क्या? आप सहन शक्ति रखें, 400 रुपए ज्यादा। मैं ये कहता हूँ, जो उस टाइम ब्लैकमेलिंग 1,000 रुपए सिलेंडर थी वो इनकी जेब में जाती थी, और सिलेंडर का जो रेट था ब्लैकमेलिंग इनकी जेब में जाती थी। आज वो अगर वो सरकार की जेब में जा रही है तो क्या परेशानी है? दालों का रेट 160-180 रुपए किलो वाला आज 60 रुपए किलो हुआ, क्या वो इन लोगों को समझ में नहीं आया? टोटल ब्लैकमेलिंग की सरकार आज तक रही, ये हर एक को पता है। केरोसिन ऑयल ब्लैकमेलिंग, सिलेंडर ब्लैकमेलिंग, नहीं किया, इस पे जवाब दीजिए। हमने रेट 14 से 754। मैं ये कह रहा हूँ, 1,000 रुपए सिलेंडर आप लोग अपनी जेब में डालते थे, ब्लैकमेलिंग करते थे, आज वो सिलेंडर जो है पूरे रूप में, पूरे रेट में आज वो पैसा सरकार की जेब में जाता है। सरकार ने क्या किया लोकेश जी? सरकार ने क्या किया? सरकार ने गैस का सिलेंडर बढ़ा दिया, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, डीजल की कीमतें बढ़ा दी, सरकार की जेब में पैसा भी गया और आम आदमी की जेब खाली भी हो गई। ये समझाना चाहते हैं? ब्लैक मेलिंग बंद करी ना आज, अगर सरकार की जेब पैसा कहां गया? पैसा मेरा लोकेश जी, लगता कहां है दिखाइए। लोकेश जी, हरियाणा की आवाम आपको सुन रही है और वो आपसे जानना चाहती है, समझना चाहती है कि जब आप पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहे हैं कि सरकार की जेब में ब्लैक मनी का पैसा गया, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि गैस का सिलेंडर महंगा क्यों हो गया, पेट्रोल महंगा क्यों हो गया, डीजल महंगा क्यों हो गया? आप ये भी बताइए कि जब राजस्थान की सरकार जब वैट घटा सकती है तो हरियाणा सरकार वैट क्यों नहीं घटा सकती? लोकेश जी, आपको जवाब नहीं देंगे, मैंने आपके ऊपर ही सारी बातें। मैंने आपको बताया ना भाई, 4 साल में बताइए आपने क्या किया। हम अगर सत्ता में नहीं है, हम इतना जानते हैं, हमने 4 साल में वो किया जो 50 साल में क्या है आप लोगों ने 50 साल में इस देश के साथ क्या किया, हमने तो 4 साल में उसको ठीक करके दिखाया। ठीक है, शीला जी, शीला भ्यान जी भी हमारे साथ जुड़ गई। शीला जी, ये क्या सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की सियासी नोकझोंक के तौर पर ही हम देखें? क्योंकि हमने 2004 से 2014 की मनमोहन सरकार भी देखी, 2014 से अब 2018 आ गया और चुनाव के मुहाने पर देश खड़ा है। हम ये भी सरकार देख रहे हैं, जिस महंगाई को मुद्दा बनाकर सरकार बदली थी वही महंगाई आज मुंबई खड़ी है।
आम आदमी की जेब पर आज भी वैसे ही डाका डाला जा रहा है, क्या इसे सिर्फ एक आज जो पूरा भारत बंद है जिसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ 20-21 दल शामिल हुए, ये इससे क्या कोई असर शीला जी पड़ेगा या सिर्फ ये मिशन 2019 की आप सबकी रणनीति है? ये परिणति है और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार नहीं थी इन लंबे चौड़े वादे करने का काम किया था कि हम डीजल पेट्रोल का दाम कम करेंगे। आज 73 रुपए और 67 पैसे का जो डीजल बढ़ाया है, पेट्रोल बढ़ाया है, ये हर किसान मजदूर पर मार पड़ी है। आज किसान दर दर की ठोकर खा रहा है। आज डीजल इतनी पड़ी हुई है, क्यों लाइट नहीं है, किसान मर रहा है। जब वो खेत में अपनी बिजाई के लिए करेगा तो डीजल चाहिएगा, तो आज ये मार पड़ी है तो किसान मजदूर की मार पड़ी है। और इन लंबे चौड़े वादे करने का काम किया था लोकेश जी, समझाइए, कहा था कि स्वामी लोकेश जी समझाइए, जो वादे किए गए थे कि महंगाई कम होगी, पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होंगी, किसानों को और ज्यादा आसानी होगी, समझाइए कि जब ये महंगाई बढ़ रही है तो क्या चीजें और नहीं बढ़ेंगी? नहीं नहीं, चार साल में चीजों के भाव कहाँ बढ़े? हमने तो उसको वहीं का वहीं रखा हुआ है। उसका जो रेट आज से चार साल पहले 2013 के अंदर आपने दिया, हमने वहीं का लोग भूखे लोकेश जी बुला रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। चार साल में ये इतना मुश्किल है क्या लोकेश जी? ये मैथमेटिक्स क्या इतना मुश्किल है कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, डीजल की कीमत बढ़ गया, तो क्या ये समझना बहुत मुश्किल है कि आप बहुत ज्यादा गरीब करोड़ के बॉन्ड आपने पेंडिंग क्यों रखे? आपने वो अपने घर से देने का क्यों दिए? आज उसका 62,000 करोड़ रुपया आज उसका इंटरेस्ट के रूप में बना, कि आज किसान मजदूर कर्मचारी महिलाएं कोई भी कर्मचारी हो आज रोड पे आ चुके हैं। जितेंद्र कुंडू, जितेंद्र कुंडू जी, आप इस बात का जवाब दे मेरे को, जितेंद्र कुंडू जी, चार साल में आपने अनेक वादे करने का काम किया था, आज ये सरकार विफल हो गई है। ये बात पड़ी है किसान मजदूर महिलाओं को, एक मिनट, नहीं नहीं शीला जी लोकेश जी एक मिनट, ऐसे नहीं, ऐसे बहस नहीं होती कि सभी एक साथ बोलने लगे। जितेंद्र जी बड़ा सीधा सा सवाल है आपका कि आज आप विपक्ष में, जाहिर तौर पर आपको मुद्दे की जरूरत है और मुद्दा ज्वलंत है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, रसोई गैस सिलेंडर की कीमत जो है वो बढ़ रही है, लेकिन सवाल आपसे यह है कि जब हम हरियाणा की बात कर रहे हैं और हरियाणा के ही बगल में राजस्थान है, राजस्थान में ठीक है कि चुनाव है और चुनाव के मुहाने पर राजस्थान खड़ा हुआ, तो वसुंधरा राजे सरकार ने 2.5 रुपए वैट का घटा दिया है, कीमतें कम हो गई हैं, क्या ये मांग विपक्ष जो है हरियाणा में भी कर रहा है? शीला जी आपसे मेरा सवाल है और जितेंद्र आपसे भी। जी सर, हम 21 राज्यों में इनकी सरकार है जिनमें से हरियाणा भी एक है। हाँ। केवल एक राज्य में इन्होंने कीमत कम की क्योंकि वहां पर चुनाव आने वाले हैं। पंजाब में क्यों नहीं हुई? भाई आपसे भी पूछा जाएगा ना, पंजाब में कब होगी? जी जी, इसको हमें कर्नाटक में कब होगी? जी जी, इसको ही हमें समझना चाहिए। पंजाब और कर्नाटक में केंद्र सरकार बिल्कुल भी कोई मदद नहीं कर रही है क्योंकि वहां पर गैर भाजपा सरकारें हैं। वहां की सरकार को अपना खर्चा उठाने के लिए जो टैक्स इस समय लगाया हुआ है, आप देखिए केंद्र का टैक्स इस समय कितना है। आंध्र प्रदेश की सरकार भी वैट घटाने की बात कर चुकी है। जितेंद्र जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आंध्र प्रदेश की सरकार भी वैट घटा रही है और भी सरकारें इस तरफ बढ़ रही है, तो क्या सवाल उठाने भर से होगा? जी नहीं, इससे नहीं होगा क्योंकि ये बात आज हमने आम व्यापारी की, गरीब की है। इन व्यापारियों ने अगर आज बंद किया है तो उन्होंने अपनी मर्जी से किया है क्योंकि ये अनूप जी कांग्रेस का भारत बंद आज लोकेश जी आ रहे हैं, आपके पास भी आ रहे हैं। आज आप देखिए पूरे हमारे शहर में, पूरे हरियाणा में पूर्णतः बाजार बंद रहा, कोई भी बिल्कुल नहीं रहा, आज खुला नहीं, बिल्कुल गलत है। 8 बजे इन लोगों ने बाजार बंद करवाया, 10:30 बजे खुलने का समय है, 11 बजे बाजार खुला हुआ था, बाजार बंद है यहाँ पर, किसी के अंदर किसी प्रकार का रोष नहीं है। लेकिन लोकेश जी, लोकेश नांगरू एक सवाल तो ये है ना कि ये बार बार बंद क्यों हो रहा है? अभी 2 दिन पहले भी बंद हुआ था जब इनेलो ने बंद करवाया था, आज कांग्रेस ने बंद करवाया। सवाल तो ये कि बार बार बंद की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप ये बताइए कि जब राजस्थान में 2.5 रुपए वैट कम हो सकता है तो हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता? लोकेश नांगरू, अनूप जी ये वैट यहां पे ये चुनावी राज्य नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, ये इनका जो बंद था बिल्कुल विफल रहा। आप ये मुझे बताइए कि जब राजस्थान में वैट घटाया जा सकता है तो हरियाणा में क्यों नहीं घटाया जा सकता? हरियाणा की जनता ने जिन्हें चुनकर भेजा है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि राज्य विफल नहीं रहा?
लोगों ने इनको समर्थन नहीं दिया। हरियाणा में बताइए कम क्यों नहीं कर रहे, आप इस पे जवाब दीजिए। मैं तो आपको कह रहा हूँ जो आज से 2013 का भाव था आज वही तो भाव है। चार साल के अंदर चीजों के भाव बढ़ने चाहिए थे, तो हरियाणा में क्यों नहीं है इसका जवाब दीजिए। केवल मात्र कांग्रेस को यही दर्द है। शीला भ्यान जी ये जो बात लोकेश नांगरू कह रहे हैं कि दरअसल महंगाई तो बढ़ी ही नहीं है, जो मनमोहन सरकार में था वही कमोवेश दाम है, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर कम ज्यादा होता रहा, ये क्या लग रहा है कि आवाम पचा लेगी और विपक्ष इसे भुना लेगा? तो ये बताना चाहते हो, आज महंगाई चरम सीमा पर है जी, दाल हो, चीनी हो, आटा हो और गैस हो, हर चीज की आज महंगाई की मार पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चार साल में आज हर वर्ग दुखी और परेशान है, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, हर आदमी रोड पे है, चाहे वह आशा वर्कर हो, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर हो। आज नोटबंदी की बात आती है, नोटबंदी में आज हर आदमी रोड पे आए हुए हैं और ये लुभावने नारे देती थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि बेरोजगारों को हम रोजगार देने का काम करेंगे। ठीक है, चूंकि समय की कमी है, शीला जी मेरे पास समय की कमी है। जितेंद्र कुंडू, फाइनल कमेंट आपका कि क्या ये 2019 की तैयारी थी दरअसल? जितेंद्र कुंडू, फाइनल कमेंट आपका। जी सर, फाइनल कमेंट आपका कि क्या ये 2019 की तैयारी थी? नहीं सर, ये सरकार पूरी तरह से फेल हुई और कांग्रेस का बंद पूरी तरह से सफल रहा है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, जब इनके मंत्री कुर्ता निकाल के सड़कों पर चलते थे कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें अब ये करते देश से। ठीक है जितेंद्र, समय की कमी है। लोकेश नांगरू, क्या आज आप ये कह सकते हैं कि अच्छे दिन आ गए? बिल्कुल कहूंगा, ये गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए सरकार ने जितना सोचा ये किसी सरकार ने नहीं सोचा। आज ये बात करते हैं दालों की, ठीक है, 180 रुपए। बीजेपी इसे अच्छे दिन कह रही है जिसके लिए भारत बंद किया गया था। ये इससे बुरे दिन कभी नहीं आ सकते, ये कहते थे अच्छे दिन आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की चार साल में आज सबसे बुरे दिन है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शीला जी, आपका भी, लोकेश नागरू आपका भी, जितेंद्र कुंडू आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल तो ये जरूर है कि जो अच्छे दिन की बात थी वो अच्छे दिन कम से कम महंगाई में तो नहीं आ सकते? इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत अटल सत्य है कि महंगाई हो रही है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, 80 के पार पेट्रोल दिल्ली के अंदर तो कम से कम कभी नहीं गया, डीजल की कीमतें भी आसमान छू रही है, इतना महंगा डीजल कभी नहीं हुआ, सिलेंडर गैस जो रसोई गैस है जो आपके और हमारे घरों में जिस पर खाना बनता है वो दुगने रेट का हो गया है, ये जो महंगाई बढ़ रही है इसे कम से कम अच्छे दिन की श्रेणी में तो नहीं रखा जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, और यहां रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, होंगे फौरन हाजिर, आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए टोटल न्यूज।